आज क्या हो गया चकोर, मतलब इतने दिन से सुराग ढूंढ रहे थे यार, आप पे क्या बीती है, ऐसी बात हो गई? बस अब मैं थक गई हूँ और मैं आई थिंक मेरे सारे स्क्रू ढीले हो चुके हैं, तो मैंने पागल हो गई है लड़की, और सानवी को लेकर समझ रही है कि डॉल है इसके हाथ में और कूदने बोल रही है कि इस डॉल को ख़त्म कर देंगे तो इमली जो है इसका पीछा छोड़ देगी एंड ऑल दैट। सो शी हैज़ गॉन कुकू। शी हैज़ गॉन व्हाट? कुकू। अच्छा तो मतलब ऐसा क्या हो गया था आपने लास्ट देखा था जो जिससे कि आपको ये सब दिमाग में आया करने को? बस अब मैं थक गई हूँ यार, मैं प्रूफ कर करके थक गई। लास्ट दिन बचा था, मुझे कोई सबूत नहीं मिला और फिर मैंने डिसाइड किया कि यही अब आखिरी रास्ता है। इससे पहले कि इमली मेरी बच्ची को कुछ कर दे, मैं उसकी डॉल फेंक दूंगी तो इमली को लगेगा कि सानवी को कुछ हो गया है, तो मैं सानवी को बचा लूंगी इस तरह। अच्छा सूरज, सानवी को बचाने के लिए मतलब ऑलमोस्ट वो नीचे जा मतलब फेंकने वाली थी, सूरज क्या चल रहा था आपके दिमाग में? यही कि कैसे भी करके दोनों को बचाया जाए, क्योंकि दोनों को नहीं खोना चाहता है सूरज, और विवान ने आके उसे बताया था कि वो पागलपन पे उतर आई है और इस तरह की बातें कर रही है, तो इन्हें बचाना चाहता है, वो ढूंढ रहा था और जब मिली तो इस हालत में मिली है। अच्छा इमली सानवी को बंधुआ बनाने के मतलब फिराक में है, तो उसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं? सूरज तो मानता ही नहीं है कि इमली जिंदा है, अब बाकी ये मानते हाँ, मतलब मैंने दो तीन बार बचा लिया सानवी को, पर अब हर बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमली कहीं ना कहीं तरीके से कोई ना कोई तरीके से सानवी तक पहुंच जाती है। तो इसने सोचा कि इमली सानवी को कुछ करे इससे पहले यही कुछ कर देगी सानवी की डॉल को। थैंक यू सो मच।